हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद शालू। तो फ्रेंड्स, मैं आज सूजी के अप्पे बनाने जा रही थी कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अपने अप्पे और उसके साथ बनने वाली झटपट बहुत ही टेस्टी एक अनोखे तरह की चटनी पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ। ये मेरे आलू हैं, इन्हें मैं ये मेरा एक मीडियम साइज़ का आलू था, इसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और ये मेरी पालक है, इसको छोटा छोटा काट लिया है। और ये मेरी पत्ता गोभी है, ये मेरी प्याज है, और ये मेरा खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, और ये हरी मिर्च है। इन सबको मैं अपने बैटर में पोर कर दूंगी, डाल दूंगी। ये मेरा सूजी में मैंने 2 घंटे पहले दही डाल के रख दिया था। ये मेरी 1 कप फुल सूजी थी, उसमें मैंने आधा कप के करीब दही डाल दिया था और कुछ भी नहीं डाला था। तो अभी मेरी सूजी इस तरह से हो गई है। अगर आप बेकिंग सोडा या इनो इस टाइप का कुछ ना डालना चाहते हो, 2-3 घंटे पहले दही डाल के रख दीजिए सूजी को, अच्छे से फर्मेंट हो जाती है, अच्छे से फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी हमारे अप्पे बन के तैयार होंगे। तो मैं सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल लेती हूँ। सबसे पहले ये मेरा आधा टेबल स्पून के करीब नमक होगा, ये मैं डाल देती हूँ। और ये मेरी 1/3 टीस्पून करीब काली मिर्च है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अभी मैं अपनी वेजिटेबल्स बारी बारी से इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मेरे पोटैटोज़ हैं और ये गई मेरी पालक, पत्ता गोभी, या वेजिटेबल जो भी पसंद करते हो वो सब डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, मैं एक साथ ही सब डाल देती हूँ। इस तरह से अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से अपना सूजी और अपने वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। और फ्रेंड्स, मैंने हल्का सा चख के देखा मेरा नमक सही है या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1/3 टीस्पून के करीब सॉल्ट और ले लिया है। 1/3 टीस्पून करीब मैंने थोड़ी सी रेड चिली ली है, आप रेड चिली ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डालूंगी। और इसके साथ में मैं 3-4 टेबलस्पून के करीब थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अप्पे का बैटर एकदम थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तभी अब सही बनते हैं। तो बस 3 या 4 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, इतना काफ़ी है। अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अपने चटनी पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिखा देती हूँ, मैं पहले नहीं दिखा पाई। ये मेरी 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पीनट्स हैं, ये भी रॉ पीनट्स हैं। और ये मेरी 2 सूखी लाल मिर्च थी, इन्हें मैंने तोड़ के रख लिया है। ये मेरा 2 चम्मच के करीब मेरा कसा हुआ नारियल है, आप फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है। और ये मेरी 4-5 टेबलस्पून के करीब पालक होगी, पालक की पत्तियां हैं। ये मेरी 4-5 हरी मिर्चें, 8 से 10 मेरी लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का था, ये सब मेरे चटनी में जाएंगे। और इसके साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी डालूंगी, वो मैं रखना भूल गई हूँ। तो यहाँ मैंने अपने चूल्हे पे 2 पैन रख लिए हैं, इसमें मैं अपना चटनी का कुछ मटेरियल को ड्राई रोस्ट करूँगी। और ये मेरा अप्पे का स्टैंड है, इस पर मैं अपने अप्पे तैयार करूँगी। थोड़ा दोनों हीट हो चुके हैं थोड़े थोड़े, मैं बस एक ड्रॉप सब में ऑयल डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आपके पास अगर ब्रश हो तो आप उसकी हेल्प से ऑयल को अच्छे से फैला लीजिए, फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अपना स्पून से ही फैला लूँगी। हल्का सा बस इस तरह से कर देंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, इस तरह से सब कर देंगे। चलिए फिर, सबसे पहले मैं एक इसी स्पून की हेल्प से अपना अप्पे का बैटर डालती जाती हूँ। अप्पे का बैटर उतना ही उतना डालना है जितने हमारे मोल्ड बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो जब फूलेंगे तो बाहर निकलने लगेंगे, शेप ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, 1-1 टेबलस्पून के करीब। अगर आपका मोल्ड का साइज़ बड़ा है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिए, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं थोड़े थोड़ा डालूँगी। सब्जियाँ, मटेरियल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए मैं सब में अच्छे से अपना करके तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने सारे मोल्ड्स में भर दिया है अपने अप्पे के बैटर को। और फ्लेम अभी मेरा लो है,
लो फ्लेम पे मैं 3 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देती हूँ मैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ देती हूँ एक साइड, जब तक पक जाएंगे फिर मैं उनको टर्न करूँगी। और तब तक मैं अपने इस पैन पे आ जाती हूँ। ये पैन भी मेरा थोड़ा सा हीट था, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो चलिए फिर इस पे मैं अपने जो मुझे रॉ मटेरियल को रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है, वो ऐड कर देती हूँ। पीनट, रेड चिली और मेरा कोकोनट और ज़ीरा, ये सब चला जाएगा इस तरह से एकदम लो फ्लेम पे। मैंने 1-2 मिनट तक बस भून लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी इस तरह से। आप इसमें गार्लिक भी भून सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ में मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी, पहले मैंने अच्छे से भून लूँ क्योंकि इन दोनों में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर रिलीज़ करेंगे तो हमारा ये सारा मटेरियल फिर अच्छे से भुन नहीं पाएगा। ये सब भुन जाए उसके बाद मैं गार्लिक और ग्रीन चिली भी ऐड कर दूँगी, उनमें भी थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास धनिया पुदीना हो तो आप प्लीज़ चटनी में ज़रूर डाला कीजिए, मेरे पास होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, फ़िलहाल नहीं था। इसको मैं हल्का सा कलर चेंज होने तक बस रोस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे 20 सेकेंड हो चुके हैं, 20 सेकेंड से लो फ्लेम पे मैं भून रही थी, बहुत अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ गया आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना गार्लिक और ग्रीन चिली डाल दूंगी, इनको भी बहुत हल्का सा बस 10-15 सेकेंड तक लो फ्लेम पे मैं बस हल्का सा इनको स्मोकी फ्लेवर तक लाना है, मुझे इनका कलर वगैरह चेंज नहीं करना, हल्का सा इन्हें स्मोक मिल जाए, हीट मिल जाए थोड़ा सा इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब बस 8 से 10 सेकंड तक मैं इसी पैन में अपने चीज़ों को पड़ा रहने दूंगी, उसकी हीट में ही अभी ये रोस्ट हो जाएंगी इस तरह से। अच्छे से मैं इनको टॉस करके भून लेती हूँ और तब तक मैं अपने ब्लेंडिंग जार में अपना जो बाकी का इंग्रेडिएंट्स है, मेरा अदरक और पालक, इसको डाल देती हूँ। और मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी डालूँगी, तो ये मेरा 1 टीस्पून नमक है। वन टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है और अब मैं अपना पैन लेकर आती हूँ और डायरेक्टली मैं इसमें डाल दूंगी, लेकिन चटनी मैं अभी नहीं पीसूंगी, डायरेक्टली इसलिए डाल रही हूँ जो इनकी हीट और स्मोक है वो मेरी जिंजर और पालक को भी मिल जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने देती हूँ, 3-4 मिनट तक ओपन ही रखती हूँ इस तरह से, ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए बस, उसके बाद मैं इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डाल के इसको एक चटनी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके थे मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे, हमारे अब पे एक साइड हल्का सा देख सकते हैं आप जो किनारे हैं वो हल्का सा ब्राउनिश हो गए हैं, तो इससे समझ में आता है कि एक साइड से वो अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं एक एक ड्रॉप तेल अपना ऑयल जो है वो ऊपर भी डाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं इनको टर्न करके पकाऊंगी, दूसरे साइड से भी इन्हें अच्छे से मुझे सेक देना है इस तरह से। बस अब मैंने टर्न कर लेती हूँ, फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है फ्रेंड्स कुकिंग में, अगर फ्लेम थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा रह गई तो फिर कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये मेरे कुछ कुछ अब पे हल्का सा, क्योंकि ये सेंटर वाले हैं, बट कोई बात नहीं, तो इन्हें मैं अच्छे से टर्न कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मेरे अब पे टर्न हो रहे हैं, सारे मैं टर्न करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरे सारे अप्पों को मैंने टर्न करके फिर से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, सिर्फ लो फ्लेम पे रखूंगी, अब मैं फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगी, 2 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे बहुत ही आसान झटपट बहुत ही टेस्टी अप्पे बनके तैयार हो चुके हैं, वो भी एक स्पेशल चटनी के साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।